हेलो चिल्ड्रेन, आई शैल टेल यू हिंदी मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर ओलिवर फॉर 5 पाउंड्स। ओलिवर लड़के का नाम है, फॉर के लिए 5 पाँच, ओलिवर के लिए 5 पाउंड्स। अबाउट द चैप्टर, अबाउट बारे में, द चैप्टर अध्याय, अध्याय के बारे में। दिस इज अ स्टोरी ऑफ बॉय नेम्ड ओलिवर। दिस यह इज है आ स्टोरी, एक कहानी ऑफ बॉय लड़के की, नेम्ड नाम ओलिवर। यह कहानी ओलिवर नाम के एक लड़के की है। हिज माने उसका, मास्टर मिस होता है, यदि पढ़ाने वाला टीचर है तो उसका मतलब होगा मास्टर मिस गुरु, या मास्टर मिस होता है ओनर या मालिक। तो यहाँ पे मास्टर मिस मालिक से है। हिज उसका, मास्टर मालिक, ट्रीटेड व्यवहार करता था, बर्ताव करता था हिम उसके, बैडली बुरा। हिज मास्टर ट्रीटेड हिम बैडली, उसका मालिक उसके साथ बुरा बर्ताव किया। लेट्स मिस आओ रीड पढ़ते हैं दिस या है इस स्टोरी कहानी को। लेट्स रीड दिस स्टोरी, आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। ओलिवर वाज अ पेल एंड थिन चाइल्ड। ओलिवर लड़के का नाम है, जैसा मैंने पहले बताया था, नाउन वाज था, ए एक पेल माने पीला, एंड और थिन पतला, चाइल्ड बच्चा। ओलिवर एक पीला और पतला बच्चा था। ही उसे डिड नॉट नहीं गेट मिलता था एनफ पर्याप्त फूड खाना या भोजन टू ईट खाने के लिए। तो ही डिड नॉट गेट एनफ फूड टू ईट, हम कह सकते हैं कि उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था या उसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। लाइक द अदर बॉयज, लाइक तरह, द अदर दूसरे बॉयज लड़के, दूसरे लड़कों की तरह। ही ड्रैंक थीन सूप 3 times a day। ही माने वह, ड्रैंक पीता था, थीन पतला, सूप ऐसी चीज़ है जिसको हम पीते हैं, जैसे मान लीजिए आपका खीर हो गया, सेवई हो गया, या पतली खिचड़ी हो गया, जिसको हम पी सकते हैं। तो ही वह ड्रिंक पीता था, थीन पतला, सूप में सूप, 3 times a day, एक दिन में। ही ड्रैंक थीन सूप 3 times a day, वह एक दिन में 3 बार पतला सूप पीता था। ऑन संडे रविवार को, ही उसे गाट मिला, अ स्मॉल एक छोटा पीस टुकड़ा ऑफ ब्रेड रोटी का। ऑन संडे ही गाट अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, रविवार को उसे रोटी का एक छोटा टुकड़ा मिला। ऑल द बॉयज सेट इन अ हॉल एट मील टाइम, ऑल द बॉयज सभी लड़के सैट बैठे थे इन ए हॉल में, एट मील टाइम भोजन के समय सभी लड़के हॉल में बैठे थे। अ लार्ज पार्ट वॉज केप्ट इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, अ लार्ज बड़ा पार्ट बर्तन वॉज था केप्ट रखा इन में वन कॉर्नर एक कोने में ऑफ द रूम कमरे के एक कोने में एक बड़ा बर्तन रखा था। द मास्टर सर्व्ड वन स्मॉल बाउल ऑफ सूप टू ईच बॉय, द मास्टर मालिक सर्व्ड परोसा वन एक स्मॉल छोटा बाउल कटोरा ऑफ सूप का टू ईच बॉय प्रत्येक लड़के को। मास्टर ने या मालिक ने प्रत्येक लड़के को एक छोटी कटोरी सूप परोसा। वन डे एक दिन ओलिवर्स मीन्स ओलिवर के फ्रेंड्स दोस्तों ने टुक आउट चिट्स एक चिट निकाली, टू डिसाइड फैसला किया। चिट्स क्या है, एक छोटी सी पर्ची जिसमें सभी बच्चों का नाम लिखा हो। ओलिवर जो थे उसके मित्रों ने एक दिन प्लान बनाया कि सभी बच्चों का नाम लिखते हैं, उसमें से एक चिट निकालते हैं, जिस बच्चे के नाम की वो चिट आएगी वह बच्चा मालिक के पास, इसके आगे जो कहा गया है वो मालिक के पास जाएगा और उससे अधिक सूप मांगेगा। देखिए यहाँ से, वन डे एक दिन ओलिवर्स फ्रेंड टुक आउट चिट्स टू डिसाइड,
ओलिवर के दोस्तों ने फैसला किया एक चिट के माध्यम से निकालने का। हु वुड गो टू द मास्टर एंड आस्क फॉर मोर सूप। हु जो वुड गो टू जाएगा द मास्टर मालिक के पास एंड और आस्क कहेगा पूछेगा फॉर मोर सूप अधिक सूप के लिए। जो मास्टर के पास जाएगा और सूप के लिए कहेगा। द चिट विद ओलिवर्स नेम। यह पर्ची ओलिवर्स के नाम से निकली। वाज पिक्ड यानी जो पर्ची निकाली गई या उठाई गई। पिक्ड माने उठाना या निकालना। जो पर्ची निकली वो ओलिवर के नाम से निकली। ओलिवर वाज फ्राइटेंड। ओलिवर माने ओलिवर वाज माने था। फ्राइटेंड मीन्स भयभीत डरा हुआ। ओलिवर भयभीत था। बट द बॉयज टोल्ड हिम दैट ही हैड टू डू इट। बट माने परंतु या लेकिन। द बॉयज लड़कों ने टोल्ड बताया हिम उसको दैट कि ही उसे हैड ए परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट की क्रिया है जो लगती है डू करना है इट इसे। बट द बॉयज टोल्ड हिम दैट ही हैड टू डू इट। लेकिन लड़कों ने उसे बताया कि वह उसे यह करना है। इट वाज सुपर टाइम। इट माने यह वाज था। सुपर टाइम यानी सुपर मीन्स होता है भोजन खाने का समय। यह भोजन का समय था यानी दिन का जो अंतिम भोजन होता है। जैसे मान लीजिए जो हम रात सुबह लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट किया नाश्ता उसके बाद जो हम लास्ट में रात में जो भोजन करते हैं उसको कहा जाता है सुपर यानी दिन का अंतिम भोजन। इट वाज सुपर टाइम। यह दिन के अंतिम भोजन का समय था। द बॉयज वर सिटिंग इन द हॉल। द बॉयज लड़के वर थे सिटिंग बैठे इन द हॉल हॉल में। लड़के हॉल में बैठे हुए थे। द मास्टर वाज सर्विंग सूप। द मास्टर मालिक वाज था सर्विंग परोस रहा। सूप मीन्स सूप। मालिक सूप परोस रहा था। द बॉयज सिग्नल्ड ओलिवर टू गेट अप। द बॉयज लड़कों ने सिग्नल इशारा किया ओलिवर ओलिवर को टू गेट अप कि खड़े हो। द बॉयज सिग्नल ओलिवर टू गेट अप। लड़कों ने ओलिवर को खड़े होने के लिए इशारा किया। हीज नेवर नज्ड हिम विद हीज एल्बो। हीज माने उसका। नेवर पड़ोसी यानी जो उसके बगल में बैठा था। नज्ड दबोचा यानी उसको पकड़ा। हिम मतलब ओलिवर के लिए प्रयोग किया गया उसको। विद से या साथ। साथ भी होता है विद लेकिन यहाँ विद मिस होगा से। हिज अपने एल्बो कोहनी से। हिज नेबर नज्ड हिम विद हिज एल्बो। उसके पड़ोसी ने उसको अपनी कोहनी से दबोचा। ओलिवर स्टूड अप। ओलिवर मिस ओलिवर स्टूड अप खड़ा हुआ। ओलिवर खड़ा हुआ। ही वेंट टू द मास्टर विद हीज बाउल एंड स्पून। ही मीन्स वह वेंट गया टू द मास्टर मास्टर के पास विद साथ हीज अपने बाउल कटोरा एंड और स्पून चम्मच। वह अपने कटोरा और चम्मच के साथ मास्टर के पास गया। ही सैड ही माने उसने। ए प्रोनाउन यूज किया गया ओलिवर के लिए। ही सैड उसने कहा प्लीज कृपया सर। सर मीन्स होता है श्रीमान जी या हम सर भी कह सकते हैं तो चल जाएगा। कृपया सर आई वांट सम मोर। आई माने मुझे। वांट माने चाहिए। सम मोर मतलब कुछ और। आई वांट सम मोर मुझे कुछ और चाहिए। जैसे आदमी कोई चीज़ खा रहा है अगर उसको और कुछ लेना है तो वह कह सकता है आई वांट सम मोर यानी मुझे कुछ और चाहिए। द मास्टर वाज अ फैट एंड क्रूल मैन। द मास्टर यानी मास्टर मीन्स मालिक। वाज था अ फैट एक मोटा एंड और क्रूल निर्दयी या क्रूर जिसके अंदर कोई दया ना हो उसे हम कहते हैं निर्दयी। मैन आदमी। मास्टर एक मोटा और निर्दयी आदमी था। ही वेंट पेल। पेल मीन्स पीला। बहुत लोग कहते नहीं वह गुस्से से लाल हो गया वह गुस्से से पीला पड़ गया। ही वेंट पेल वह गुस्से से पीला हो गया। व्हाट क्या। द मास्टर स्क्रीम्ड। द मास्टर मालिक ने या मास्टर ने स्क्रीम्ड चिल्लाया। मास्टर ने चिल्लाया प्लीज सर। प्लीज मीन्स कृपया। सर श्रीमान जी। प्लीज सर कृपया श्रीमान जी। सैड ओलिवर वंस मोर। सैड कहा ओलिवर ने। वंस दोबारा। मोर सैड ओलिवर वंस मोर एक बार
ओलिवर ने फिर से कहा, मैं आई हैव सम मोर, क्या मुझे कुछ और मिलेगा। द मास्टर हिट ओलिवर विद हिज लेडल, द मास्टर मालिक ने हिट मारा ओलिवर ओलिवर को विद से हिज अपने लेडल, लेडल मिस होता है चम्मच की जो डंडी होती है पकड़ने वाली चम्मच की हैंडल। द मास्टर हिट ओलिवर विद हिज लेडल, मास्टर ने ओलिवर को अपनी लेडल से मारा। ही काट हिम बाई द कॉलर ऑफ हिज शर्ट एंड हिट हिम, ही माने उसने काट पकड़ा हिम उसको, हिम किसके लिए यूज हुआ है ओलिवर के लिए, और ही मास्टर के लिए, ही काट उसने काट पकड़ा हिम उसको बाई द कॉलर ऑफ हिज शर्ट उसकी शर्ट के कॉलर को एंड और हिट हिम और उसको मारा, उसने उसको उसके शर्ट की कॉलर से पकड़ा और उसको मारा। ओलिवर बिगेन टू क्राई, ओलिवर बिगेन शुरू कर दिया, टू क्राई रोना, ओलिवर बिगेन टू क्राई, ओलिवर ने रोना शुरू कर दिया। मिस्टर बम्बल द मैनेजर ऑफ द वर्क हाउस, मिस्टर बम्बल नाउन है, मिस्टर बम्बल द मैनेजर ऑफ द वर्क हाउस, वर्क हाउस के मैनेजर जो मैनेजर हैं उसके नाम है मिस्टर बम्बल। रश्ड टू द हॉल, रश्ड माने पहुँचे, टू द हॉल यानी हाल में पहुँचे। द मास्टर कंप्लेन टू मिस्टर बबल, द मास्टर मास्टर ने कंप्लेंट शिकायत की टू मिस्टर बम्बल, मिस्टर बबल बम्बल से यानी मास्टर ने मिस्टर बम्बल से शिकायत की। ओलिवर आस्क्ड फॉर मोर, ओलिवर ने आस्क्ड मांगा, फॉर मोर ओलिवर ने और मांगा। मिस्टर बम्बल शाउटेड, मिस्टर बम्बल चिल्लाए। मिस्टर बम्बल वाज वेरी एंग्री, मिस्टर बम्बल माने बम्बल, वाज माने थे, वेरी बहुत, एंग्री क्रोधित गुस्से में, मिस्टर बम्बल बहुत गुस्से में थे। नो बॉय हैड इवर आस्क्ड फॉर मोर सूप इन द वर्क हाउस, नो बॉय कोई लड़का हैड इवर आस्क्ड नहीं मांगेगा फॉर मोर सूप इन द वर्क हाउस, वर्क हाउस में यानी वर्क हाउस में कोई लड़का और अधिक सूप नहीं मांगेगा, यानी जिसको जिस बच्चे को जितना दे दिया जा रहा है फिर उसके बाद दोबारा कोई बच्चा वो सूप नहीं मांगेगा। ही टुक ओलिवर टू ए रूम एंड शट हिम इन, ही माने उसने टुक ले गया ओलिवर, ओलिवर को टू ए रूम कमरे में एंड और शट हिम इन, इन माने यहाँ होगा अंदर, शट माने बंद कर दिया, हिम माने उसको, इन माने अंदर। वह ओलिवर को कमरे में ले गया और उसके अंदर बंद कर दिया यानी कमरे में बंद कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट माने अगली, मॉर्निंग माने सुबह, अगली सुबह। ही पुट अप अ नोटिस एट द गेट, ही माने उसने पुट अप लगाया अ नोटिस सूचना एट द गेट दरवाजे पर। ही पुट अप अ नोटिस एट द गेट, उसने दरवाजे पर एक सूचना लगाया। मिस्टर सावरवेरी अ काफिन मेकर, मिस्टर सावरवेरी नाम है ये काफिन, काफिन मीन्स क्या होता है एक ऐसा बॉक्स जिसमें डेड बॉडी यानी मरे हुए व्यक्ति को लेकर जाते हैं तो उसे कहते हैं कॉफिन, यानी वो मरे हुए व्यक्ति की जो लाश होती है उस लकड़ी के बॉक्स में उसके अंदर वो पैक रहता है। मेकर तो यानी जो मिस्टर सावरवेरी थे वो क्या थे, कॉफिन मेकर थे, वो कॉफिन बनाते थे। रीड द नोटिस, नोटिस को पढ़ा, सूचना को पढ़ा। ही एग्रीड टू टेक ओलिवर ट्विस्ट, ही माने उसने माने वह एग्रीड सहमत हो गए टू टेक लेने के लिए ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट को वह ओलिवर ट्विस्ट को लेने के लिए सहमत हो गए। दस, दस मीन्स इस प्रकार। ओलिवर लेफ्ट द वर्क हाउस, ओलिवर माने ओलिवर ने लेफ्ट छोड़ दिया द वर्क हाउस वर्कशॉप को, वर्क हाउस को ओलिवर ने वर्क हाउस को छोड़ दिया। एंड इट वाज ऑल, एंड माने और, इट माने या, वाज ऑल और यह सब इसलिए हुआ बिकॉज, क्योंकि ही हैड आस्क्ड फॉर मोर सूप, बिकॉज माने क्योंकि, ही हैड उसने आस्क्ड माने मांगा फॉर मोर सूप, क्योंकि उसने और सूप मांगा। थैंक यू।
आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मन लगाकर पढ़िए, जो नहीं आएगा फिर आपको दोबारा समझाया जाएगा।